नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। वैसे तो आपने कई सारी फिल्मों में देखा और सुना होगा कि कानून अंधा होता है, क्योंकि कानून की जो मूर्ति बनाई गई है, कानून की देवी की जो मूर्ति है, उस पे आंखों पे पट्टी बंधा रहता है। लेकिन अब कानून की देवी की मूर्ति के आंखों से पट्टी हटा दिया गया है। जी हाँ, सही सुन रहा। आपको बता दें कि अब जो कानून की मूर्ति, कानून की देवी है, उनकी आंखों से पट्टी हटा दिया गया है और उनके हाथ में जो तलवार रहते थे उसे भी हटा करके कानून की किताब उनके हाथ में दे दी गई है। पूरी खबर आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लाई गई है। इस मूर्ति में कुछ बदलाव किए गए हैं। मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दे दी गई है। भारत की चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने यह बदलाव करवाए हैं। इसका मकसद ये बताना है कि भारत में कानून अंधा नहीं है। नई मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लाया गया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने खुद इस मूर्ति को बनाने का आदेश दिया था। दरअसल पुरानी मूर्ति में दिखाया गया कि अंधा कानून और सजा का प्रतीक आज के समय के हिसाब से सही नहीं था, इसीलिए ये बदलाव किए गए हैं। पहले की मूर्ति में आंखों पर पट्टी का मतलब था कि कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। हाथ में तलवार दिखाती थी कि कानून के पास ताकत है, वह गलत करने वालों को सज़ा दे सकता है। हालांकि नई मूर्ति में एक चीज़ जो नहीं बदली है वो है तराजू। मूर्ति के एक हाथ में अब तराजू है और यह दिखाता है कि न्यायालय किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनता है। तराजू संतुलन का प्रतीक है। न्याय की देवी, जिसे हम अक्सर अदालतों में देखते हैं, असल में यूनान की देवी है, जिसका नाम जस्टिया है और इन्हीं के नाम से जस्टिस शब्द आया है। इनकी आंखों पर बंधी पट्टी ये दिखाती है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार इस मूर्ति को भारत लाए थे और ये अफसर एक न्यायालय अधिकारी थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। भारत की आज़ादी के बाद हमने इस प्रतीक को अपनाया। आपको बता दें कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। इसका जवाब बेहद ही दिलचस्प है। ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी को देखकर न्याय करना एक पक्ष में जाना हो सकता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने का मतलब है कि न्याय की देवी हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करेगी। इस तरह जस्टिया की मूर्ति हमें याद दिलाती है कि सच्चा न्याय निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। तो आपको बता दें कि न्याय की मूर्ति, जिसे हम कहते थे जस्टिस, वो अब मूर्ति बदल दी गई है और उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है और उनके हाथ में जो तलवार थे उसे भी हटा दिया गया है और कानून की किताब दे दिए गए हैं। हालांकि एक चीज़ जो कॉमन है वो है तराजू, जो कि अभी भी है, यानी कि संतुलन बनाए रखना है, पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को सुनना है और तब अपना कोई भी एक फैसला सुनाना है, ये भी इस मूर्ति के तहत दर्शाया गया है। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।